देख रहे हैं बहुत सारे इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, पाकिस्तानी, इंडियन, और इसके साथ ये इंडोनेशिया की है। 2015 में इन्होंने ये मस्जिद बनाई थी। तो जो ये कर रहे हैं, और यो ये बड़ी बात है, हमारी अजरक यार, वो बात ज़बरदस्त, हमारी सिंधी अजरक को यहाँ टेबल पे बिछाया हुआ है। आप बांग्लादेश, और आप दुबई, और बोन कहाँ गए हैं? पाकिस्तान, पाकिस्तान। अच्छा, तो ये बताए ना। सर्वर, आई नीड सर्वर। आप कहेंगे यस सर? सर्वर, आई नीड सर्वर। तूफान आ गया भाई, तूफान देखो इतना तेज तूफान। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? रमज़ान सीरीज़ में आपको वेलकम। एक और जगह मैंने आज ढूंढ निकाली है जिसको कहते हैं इंडोनेशियन मॉस्क, और इंडोनेशियन मस्जिद में मैं आया हूं, जहां पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी भी आती है लेकिन यहां ज़्यादातर इंडोनेशियन होते हैं। इससे पहले फैज़ान मदीना आपको दिखाया और बहुत सारी और जगहों पर इफ्तारी जो होती है वो दिखाई। तो आज हम आए हैं इंडोनेशियन मॉस्क में और यहां देखते हैं कि रमज़ान किस तरह से यहां उनके जो इफ्तार का टाइम है ना वो किस तरह से गुज़रता है। तो चलते हैं अंदर और माहौल देखते हैं। ये है मस्जिद के बाहर, बाहर से आते हैं तो हमारा उस तरफ घर है और इस तरफ मस्जिद है। तो यहाँ भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फूल लगाए हुए हैं इन्होंने। यहाँ इस तरह से लगता है कि जंगलों के बीचों बीच है, और वहाँ आखिर में है न्यू मुस्लिम सर्किल। अब ये चीज़ें देख लेते हैं, और मुझे मालूम नहीं कि यहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त वैसे देंगे या नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, इनसे परमिशन ले लेंगे फिर बनाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि भाई वाकई इंडोनेशिया वाला फील आ रहा है, उस तरह की लुक है। मैं गया तो नहीं हूँ लेकिन जो वीडियोस देखते हैं तो वहाँ भी बड़ी ग्रीनरी, दरख्त वगैरह होते हैं। तो इस तरह से यहाँ इन्होंने मस्जिद बनाई है। तो चलते हैं मस्जिद में, और ये लकड़ियों का फ्रेम है जिस पे लिखा हुआ है मस्जिद इस्तकलाल। तो इस मस्जिद का नाम है मस्जिद इस्तकलाल, और इसमें मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ। हालाँकि मेरे पड़ोस में है, सिर्फ 4 मिनट की ड्राइव थी, और यहाँ इस मस्जिद इस्तकलाल का ये मंज़र है बाहर से। यहाँ बच्चों के झूले हैं, खेलने का पूरा जो है ना आप समझेंगे प्ले एरिया बनाया हुआ है, और वहाँ बास्केटबॉल के लिए भी है। अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, पाकिस्तानी, इंडियन, और इसके साथ ये इंडोनेशिया की है। 2015 में इन्होंने ये मस्जिद बनाई थी। तो यहाँ इमाम का घर है और वहाँ मस्जिद है। तो मैं चल के पहले मस्जिद दिखाता हूँ। आप देख रहे हो कि बिल्कुल जकार्ता वाला माहौल है, और इसके साथ ख्वातीन अपनी इफ्तार जो लेके आई हैं कुछ घरों से, और कुछ यहाँ सर्व होंगी। तो ये है, बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, सीटिंग आप देख रहे हो किस तरह से इन्होंने बनाई हुई है। वहाँ से भी लोग अपनी गाड़ियों से खाना निकाल के लेके आ रहे हैं, और यहाँ मर्द हजरात हैं और इस तरफ से ना ख़वातीन। तो पूरा एक अच्छे तरीके से आप देख रहे हो किस तरह से शेड बनाया हुआ है, और उसमें सारे लोग बैठ के इफ्तारी वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ मस्जिद है, मस्जिद इस्तगलाल ईस्टर्न। इस मस्जिद को भी देखते हैं। मैंने सोचा था कि ये जो आगे वाली जगह है वो शायद मस्जिद है, लेकिन वो घर था इमाम का। बहुत बड़ी जगह है, और दरख्तों के नीचे, दरख्तों के ना अंदर ही अंदर सारा इन्होंने माहौल बनाया हुआ है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का, 3 किस्म के इनके हुए हैं, एक शेड है, दूसरा, और फिर ये तीसरा इन्होंने कनोपी टाइप का बनाया हुआ है। तो आप देख रहे हो किस तरह से रमज़ान शरीफ की रौनकें हैं, और हम सोचते हैं सिर्फ हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ में ही सब कुछ है, लेकिन जहाँ भी मुस्लिम रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, वो चाहे किसी भी स्टेट में जहाँ थोड़ी तादाद में हो या बड़ी तादाद में, हर जगह पे इसी तरह से रमज़ान शरीफ जो है ना सेलिब्रेट होता है, इबादतें होती हैं, सहर होते हैं, इफ्तार होते हैं, और बड़ी तादाद है यहाँ भी पाकिस्तानियों की, ज़्यादातर मुझे पाकिस्तानी नज़र आ रहे। और एक दोस्त ने बताया कि जुम्मे को और हफ्ते को ना इंडोनेशियन कम्युनिटी बड़ी तादाद में आती है। तो मैं कोशिश करके उस दिन पे भी आऊँगा, तबीयत ख़राब है उसके बावजूद आया हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस दरख्तों की झुंड के नीचे बैठ के इफ्तार करना ना। नेचुरल बिल्कुल माहौल है, ऐसे लग रहा है जैसे जंगल में इफ्तार करने आया है बंदा। हाँ, देख रहे हो आप सिक्योरिटी की गाड़ियाँ, ये प्राइवेट सिक्योरिटी है इस गाड़ी में जो ये कर रहे हैं। और यो ये बड़ी बात है, हमारी अजरक यार, वो बात ज़बरदस्त, हमारी सिंधी अजरक को यहाँ टेबल पे बिछाया हुआ है। माशाल्लाह, वाह यार, कितना अच्छा लग रहा है कि मुझे अपनी सिंध धरती की हज़ारों साल पुरानी तहजीब इस जगह पे मिल रही है। और इंडोनेशिया में भी बहुत सारे सिंधी रहते हैं, आपको पता है या नहीं है, इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा हमारे सिंधी हैं जो पार्टीशन से पहले चले गए और पार्टीशन के बाद भी मेरे ख़्याल में वहाँ कुछ हैं, जब बिजनेसेस होते थे उस वक्त ये करते थे। तो हमारी अजरक नज़र आ गई। अस्सलाम वालेकुम, ये सर अजरक कहाँ से लाए? सिंध से। हाँ बाबा, मैं भी सिंध से हूँ ना, इसीलिए थोड़ा एक्साइटेड हो गया। यहाँ इंडोनेशियन मस्जिद में आया हूँ तो बाहर आप देख रहे हो ना कि ये सिंधी अजरक जिन्होंने लेके रखी है, तो वो अब्दुल मजीद साहब हैं, उनसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मजीद साहब, ये कहाँ से लेके आए सिंधी, हमारी अजरक कहाँ से गिफ्ट? ये मुझे जब मैं सिंध के अशरोथर के अंदर जाता हूँ, हाँ हाँ, और वहाँ जो मेरे पंप के प्रोजेक्ट्स में लगाता हूँ, तो वो लोग जब मैं इनॉग्रेशन के लिए जाता हूँ तो बड़े खुशी खुशी वो मुझे हर गांव में लोग एक अजरक दे देते। तो आप सांगड़ की तरफ से जाते होंगे ना? सांगड़ भी, शाहपुर, चाकर, और अलग अलग। अच्छा लगा, मैं एक्साइटेड, मैंने कहा ये कहाँ से अचानक इंडोनेशियन मास्क में सिंधी अजरक, तो क्या काम है आपका? तो आप जाहिर है कि आपके नाज़रीन को ये बता सकते हैं कि नीचे भी आप देखें वहाँ, मतलब हम लोग जो हैं सिंध में, बलूचिस्तान में, और ज़्यादातर अशरोथर के अंदर और शाहपुर चाकर के अंदर, सांगड़ के अंदर, वहाँ पे पानी आप देख रहे हैं कि कंटेमिनेटेड पानी पीते हैं वो, तो हम फिर पार्क करते हैं, लगाते हैं। और लास्ट ईयर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 400 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, जिसकी लागत तकरीबन $5 लाख थी, और इस साल हम लोग जो है 600 प्रोजेक्ट करने। तो आप फ्री कर रहे हैं सब कुछ? ये सब फ्री करते हैं, मैं डोनेशन में खड़े होकर लोगों से डोनेशन मांगता हूँ। अच्छा, और डोनेशन लेकर उनको मैं बताता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर, ख़ास करके जो हमारी जो हमें जो तकलीफ़ होती है कि हमारी वहाँ गांव की जो माँ बहनें हैं जो बेचारी तीन चार किलोमीटर वन वे जाती हैं, दो मटके पानी अपने सर पर लेकर आती हैं, तो हमारी कोशिश है जहाँ पे 10-15 घर होते हैं तो वहाँ पर हम जाके ये वेल लगा देते हैं, और ये वेल लगाने से उनको वो ट्रैवल उनका बच जाता है। तो लोग आपकी ज़्यादा हेल्प करते हैं यहाँ या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मस्जिद है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। और अब आप देख रहे हो यहाँ, वहाँ इमाम साहब का घर और यहाँ मस्जिद, माशाल्लाह। वहाँ ख़वातीन का अलग है पूरा, यहाँ कुरान शरीफ, बंगाली में भी है, उर्दू में भी है। तो ये मस्जिद का अंदर का है, तो जैसे अजान आएगी फिर मैं दिखाता हूँ, पहले चलते बाहर इफ्तार दिखाते हैं आपको कि अब इफ्तारी का टाइम है। जब तक अजान आए तब तक मैं आपको ये दिखा दूँ, माशाल्लाह इन्होंने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ली हुई है 2015 से। आगे आप देख रहे हो इस तरह से लुक, इनका मैदान है पूरा, और अभी भी कंस्ट्रक्शन ये जितनी चाहें कर सकते हैं। तो चलें हम थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं जहाँ इफ्तारी होगी ना, तो उसका अभी ये इंतज़ार कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। No. This is for all. I have a sore throat. Okay. Okay. Well, good for throat. Thank you, sir. Good for sore throat. Yeah. It's a soup? Yeah, we have. Okay. ये यहाँ खाने पीने का बंदोबस्त, वहाँ देखें ना भाई कैसे इंडोनेशिया के ही सारा माहौल लग रहा है। यहाँ से सर्व होता है खाना, देखें कोई रंग नस्ल का फ़र्क नहीं है, जो भी हैं अफ्रीकन, अमेरिकन है, पाकिस्तानी है, इंडोनेशियन है, इंडियन है, सब एक जगह पे मिलके इफ्तार कर रहे हैं। क्या हाल है सर? रोज कितने लोग आते हैं इफ्तार करने? 300 माशाल्लाह। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ? बांग्लादेश। और आप? दुबई।
और बोन कहाँ के हैं? पाकिस्तान, पाकिस्तान। अच्छा तो ये बताए ना, जब दुबई से दो शादी हो चुकी है। ठीक, और यहाँ इंडियन भी हैं जी? सब इस भाई अमेरिकन। यहाँ कितने कहाँ कहाँ से लोग आए? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आते इंडोनेशियन है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशियन, अल्हम्दुलिल्लाह इज वेरी डाइवर्स। और कितने लोगों का रोज आप इफ्तार? अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हम लोग आते हैं फॉर 300 पीपल। अच्छा, 300 डेली? 300। और ये डोनेट होते हैं या रोज लोग घर से? स्पॉन्सर्ड एंड वी आर द वन हु मैनेजिंग एवरीथिंग। अच्छा, और घर से भी लोग लाते हैं? नहीं, घर से नहीं, वी ओनली आर स्पॉन्सरिंग फ्रॉम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। ओके, तो मतलब ये पूरा रमजान इसी तरह से चलता है? इंशाल्लाह यस। ज्यादा रश कब होता है? वीकेंड्स में डेफिनेटली। तो आप बढ़ा लेते हैं? हम लोग करते हैं देसी रेस्टोरेंट मंडे वेनेसडे एंड थर्सडे। अच्छा, और बाकी इंडोनेशियन फूड वो कब? तो वो होता है ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। मेन्यू में क्या क्या होता है भाई? वैसे मेन्यू में क्या क्या होता है? वी हैव डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एवरी डे। टुडे इज चाइना किंग। अच्छा, चाइना किंग, बटर हलीम, बिरयानी, अच्छा बिरयानी। आवर थीम इज टू मेक श्योर दैट एवरी रेस्टोरेंट्स अराउंड हियर नेक्स्ट टू मस्जिद इस्तिक्लाल वी गिव बिजनेस टू एवरी सिंगल रेस्टोरेंट एटलीस्ट वंस। तूफान आ गया भाई, तूफान देखो इतना तेज तूफान। ये इंडोनेशियंस की है तो पाकिस्तानियों की अलग हैं और अरबियों की अलग, इस तरह से हैं या अलग अलग? नहीं है सब, उसमें मस्जिद में सब लोग आते हैं लेकिन प्रेडोमिनेंटली इंडोनेशियन लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर। अच्छा, और इस इतरा में मेरा ख्याल है 4-5 मस्जिद और आसानी से। सही, तो अब क्या कॉन्सेप्ट है मस्जिदों में? कोई एक जैसे बड़ी मस्जिद नहीं होनी चाहिए कि हर जगह पे बंदा एक ही पे जाए? यह मस्जिद है मरियम मस्जिद शुगरलैंड में, काफ़ी बड़ी मस्जिद है लेकिन उनकी कैपेसिटी का भी मसला होता है, पार्किंग का और लोगों की कैपेसिटी का। तो बहुत सारी छोटी छोटी मस्जिद हैं जो नेबरहुड के करीब होती हैं तो उसमें लोग आते हैं। तो यहाँ क्या पहले घर खरीदना पड़ता है फिर उसको कन्वर्ट करते हैं मस्जिद में? शुरू में ये कॉन्सेप्ट था अमेरिका में 25-30 साल पहले के, छोटा सा घर खरीदते थे और उसके बाद उसमें लोग जमा होते थे, फिर डोनेशन करके फिर ज़मीन खरीदते थे, उसके बाद फिर मकान बनाते थे। अब क्या अब क्या नई चीज़ क्या आई है? अब नई नई इनोवेशन हो रही है, ज़मीन लोग कम्युनिटी खरीदती है और उसके बाद पैसा जमा करके पे ऑफ कर देते हैं या पे ऑफ करने के लिए पैसा जमा करते हैं। सही। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है नॉर्थ ऑफ मिल्वॉकी में, एक मस्जिद है माशाल्लाह, तो उन्होंने क्या किया है कि ज़मीन खरीद ली किसी ने डोनेट की लेकिन ये हुआ कि बजाय इसके कि मस्जिद बनाने के उन्होंने एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बना दिया और मस्जिद के जो बेसमेंट के वो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में वहाँ पर उन्होंने मस्जिद भी रखी है, कुरान की तालीम भी रखी है, इनकम भी आ रही है, तो उसी इनकम से इंशाल्लाह फिर आगे मतलब अपने पाँव पे खुद ही खड़ा हो, अपने पाँव पे खुद खड़ा हो, बार बार डोनेशन का इनकम होता है तो डोनेशन का मसला ना हो। सही, आगे जाके। और यहाँ भी और कोई बड़ी बड़ी प्लानिंग है मस्जिदों की? इंशाल्लाह यहाँ भी प्रोजेक्ट है चल रहे हैं, अभी पार्किंग का प्रोजेक्ट उधर है,
एक पार्किंग लॉट इधर बन गया। अच्छा, तो अच्छा। बारिश में बड़ा मसला होता था, बारिश में तो अल्लाह का हो गया। और उसके अलावा अब यह पार्किंग लॉट हो जाएगा तो उसके बाद कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसकी। सही, तो रमज़ान शरीफ स्पेशली जिस तरह से आप कराची में होता है, हम अपने मुल्क में, इस तरह से कोई फील आती है कि यार वहाँ सही है या यहाँ? नहीं, वो तो सारे अल्लाह का घर हर जगह है, तो जहाँ भी आपको कम्युनिटी मिल जाती है, जहाँ भी माहौल बन जाता है तो वो अच्छा लगता है। यहाँ भी लोग आते हैं माशाल्लाह, और खूब इफ्तार भी, डिनर उनको सर्व किया जाता है सबको। सही सही, तो बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे भी इधर आप देख रहे हैं, इधर खेल रहे हैं, टेनिस का भी कोर्ट है यहाँ पर, तो उसके बाद फिर तो थोड़ा सा रिलैक्स कर फिर तरावी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहाँ वो तो नहीं है ना फिर, क्या वारियत वाला चक्कर, जिसकी मस्जिद में जाए कोई मसला? बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये सुकून है, बहुत सुकून है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी आप देखें कि सारे वॉलंटियर हैं, और अभी खाना खाया है तो ये अभी सफाई भी वॉलंटियर खुद करेंगे, तो ये वाली अच्छी चीज़ है कि यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब ये मोहम्मद कलीम साहब जो है ना, जाएंगे हर टेबल पर और वहाँ से जाके कचरा जो है वो उसमें इसमें डालते जाएंगे। देख रहे हो किस तरह से एक माहौल है जिसमें रमज़ान शरीफ की नेमतें और बरकतें आपको नज़र आ रही हैं। बहुत अच्छे तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी रमज़ान शरीफ का जो महीना है ना, वो अमेरिका में गुजारती है। तो आई होप आपको इंडोनेशियन मॉस्क से ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।